चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके आसपास हो रही कुछ अच्छी खबरें। हैदराबाद पुलिस ने 72 परिवारों को गोद लिया है। ये 72 परिवार गरीब आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पुलिस इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और युवाओं की नौकरी का प्रबंध करेगी ताकि ये मुख्य धारा में शामिल हो सके। बिहार के बेतिया के 12 साल के अर्जुन बुलंद हौसले की मिसाल बने हैं। बचपन से ही दोनों हाथ खराब होने के बावजूद अर्जुन ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और वो पैरों से ही लिखते हैं। अर्जुन खाना खाने जैसे काम भी पैरों के सहारे कर लेते हैं। अर्जुन बेहद गरीब परिवार से हैं और 3 साल पहले उसके पिता का देहांत भी हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अर्जुन का जज्बा देखकर हैरान रह गए और प्रशासन को उसकी हर संभव मदद का निर्देश दिया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में माता पर चढ़ाए जाने वाले फूल बेकार ना जाएं, इसके लिए फूलों से खाद बनाने वाली मशीन लगाई गई है, जिससे बनने वाली खाद का इस्तेमाल बागवानी के लिए किया जा सकता है। कालका मंदिर में रोजाना 1 क्विंटल फूल चढ़ाए जाते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के कूचामन सिटी के SDM रामसुख गुजर पिछले 16 सालों से लोगों को जागरूक कर तंबाकू छुड़ा रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों का तंबाकू छुड़ा चुके हैं। रामसुख गुर्जर के पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, जो तंबाकू की वजह से हुआ था। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। राजस्थान के अजमेर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो कार में आग लगते ही उसे काबू में कर लेगा। छात्रों की ये खोज लोगों की जान बचाने में भी मदद करेगी। अक्सर गर्मियों में कारों में आग लगने की वजह से बड़े हादसे होते हैं। छात्रों की इस खोज में लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।